फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं सेफ्टी ग्लास क्या होता है? सेफ्टी ग्लास का आविष्कार कैसे हुआ? इस सेफ्टी ग्लास का यूज कहाँ कहाँ पर किया जाता है? चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सेफ्टी ग्लास वह ग्लास होता है जो गिरने के बाद ना तो धड़कता है और ना ही चकनाचूर होता है। आप जानते हैं कि इसका आविष्कार कैसे हुआ? सन 1903 की बात है। इडोर्ड बेनेडिक्स नामक एक फ्रेंच वैज्ञानिक जो रोज की तरह अपनी लेबोरेटरी में व्यस्त थे, उस दिन उन्होंने देखा लैब बहुत ही अस्त व्यस्त और गंदी हो गई है, क्यों न इसकी सफाई कर ली जाए। अतः उन्होंने सफाई करना शुरू कर दिया। तभी अचानक से एक कांच की बोतल गिर गई। उन्हें लगा यह कांच की बोतल गिरकर टूट गई होगी और उसमें रखा हुआ सामान भी फैल गया होगा। इडोर्ड उस कांच की बोतल को जल्दी से उठाने के लिए आगे बढ़े तो उन्होंने देखा, उन्होंने जो कुछ भी देखा इससे उनके आश्चर्य का ठिकाना ही ना रहा। उन्होंने देखा कि कांच की नीचे गिरी हुई बोतल न तो टूटी थी और न ही उसमें रखा हुआ सामान फैला था, लेकिन बोतल हल्की सी चटक गई थी। इडोर बोतल को लेकर असमंजस में थे और वो बोतल को बहुत ध्यान से देख रहे थे कि तड़कने के अलावा इस बोतल को कुछ भी नहीं हुआ। आखिर क्या कारण है? अब उन्होंने बोतल पर लगे हुए लेबल को पढ़ना शुरू कर दिया। इडोर बोतल के न टूटने के पीछे का कारण हर हाल में जानना चाहते थे। इडोर मैग्नीफाइंग लेंस से बोतल की छानबीन करने लगे। तब उन्होंने देखा कि बोतल के चारों ओर एक पतली पारदर्शी फिल्म लगी हुई है। उन्हें याद आया कि इस बोतल में केमिकल सॉल्यूशन, जिसे कोलोडियन कहा जाता है, रखा हुआ था। यह कोलोडियन कुछ समय पहले सूख गया था और इसी की पतली परत बोतल के अंदर मजबूती से जम गई थी। आखिर इडोर अपने मकसद में कामयाब हो गए। उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति ने कांच की बोतल गिरने पर भी न टूटने का पता लगा ही दिया। मगर अभी भी कुछ प्रयोग बाकी थे, क्योंकि अपनी खोज को सही जो साबित करना था। अतः उन्होंने कांच पर कोलोडियन लगाकर सुखाया, फिर उसे ऊपर से कांच को गिराया, उस कांच पर हथौड़ा मारा, पर वह कांच नहीं टूटा, बस उसमें कुछ दरारें आ गईं। और कई प्रयोग भी इडोर ने किए। इस तरह से सेफ्टी ग्लास, यानी कि ना टूटने वाला ग्लास बनाने में सफल हो गए। अतः इडोर सेफ्टी ग्लास का आविष्कार करने में सफल हो गए और इसके पीछे कारण था उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति। आज सेफ्टी ग्लास का उपयोग हम कार्स में, बसेस में, ट्रेन्स में, एरोप्लेन्स में, रॉकेट्स में सबसे ज्यादा करते हैं। फ्रेंड्स, देखा आपने, जानने की इच्छा और हमारी मेहनत अर्थात जिज्ञासु प्रवृत्ति हमें हमारे परिणाम तक किस तरह से पहुंचा देती है। अतः हमें भी उन्हीं की तरह जिज्ञासु प्रवृत्ति रखना है। हर समय हमारे मन में कब, क्या, क्यों और कैसे जैसे प्रश्न चलते रहना चाहिए और उनके आंसर्स के लिए हमें कोशिश करना चाहिए। आप जरूर सफल होंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।